जो तारों की चोरी कर बिजली विभाग को लाखों चूना लगा रहे थे। क्राइम ब्रांच ने कथित गिरोह के 5 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 18 लाख की कीमत से अधिक के एल्यूमिनियम और सिल्वर तार बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 34 साल के सचिन कटनकर, 26 साल के निखिल मड़ावी, 27 साल के परवेज मस्जिद, 25 साल के तुषार लांजेवार और 29 साल के दीपरत्ना उके के रूप में हुई है। आरोपियों में से एक बिजली विभाग में ठेकेदार है। दरअसल क्राइम ब्रांच को अपने मुखबिर से गुप्त सूचना मिली थी कि बिजली ठेकेदार सचिन कटक्कर के घर पर अवैध रूप से चोरी के एल्यूमिनियम और तांबे के तारों का स्टॉक कर रखा गया है। खबर मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने कथित ठेकेदार के घर पर छापा मारा और 18,31,000 की कीमत के तारे बरामद की गई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जिल्ह्यामध्ये तार चोर ॲल्युमिनियम तार चोरीचे बरेच गुन्हे घडलेले होते आणि मोठ्या प्रमाणात मुद्देमाल गेलेला त्यात गेलेला होता। त्याच्यावरून आम्ही आमचं पथक नेमून होतं आणि पथकाकडून आता मिळालेल्या माहितीवरून API तुरकुंडे, नितीन महाजन, मंगेश माडोदे, पंकज भित्रे, राजेश पंचबुद्धे, संदीप मते यांनी आरोपी साकोली तालुक्यातील आरोपी सचिन कटकवार, निखिल मळावी, परवेज अगवान, दीपरत्न उके आणि तुषार लांजेवार यांना ताब्यात घेऊन त्यात विचारपूस केली असता त्यांनी पोलीस स्टेशन साकोली, पोलीस स्टेशन लाखांदूर येथील 2 गुन्हे, पोलीस स्टेशन आढ्याळ येथील 1 गुन्हा, पोलीस स्टेशन कारगा येथील 1 गुन्हा आणि पोलीस स्टेशन शिवरा येथील 3 गुन्हे असे 8 गुन्ह्याची त्यांनी चोरी केल्याची कबुली दिली आणि त्यात 8 गुन्ह्यामध्ये एकूण 18,36,000 मुद्देमाल आम्ही त्यांच्याकडून हस्तगत केलेला आहे। तसेच गुन्ह्यात वापरलेली झायलो गाडी व एक टाटा इनप्रो हे सुद्धा आम्ही जप्त केलेले आहेत।